चलो मेरे को यही था, मैंने कहा पता नहीं आएगी नहीं आएगी, आ गई वही फिक्स है। अभी इसको नीचे रखिए। हाँ ठीक है, बस हल्का सा, हाँ थोड़ा और ऊंचा कर दो अगर हो जाए तो। पकड़ लो ये। अभी आई हूँ दोस्तों छत पर, और देखो रेनली में कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं। ये देखो इसमें भी हैं, और ना बारिश हुई थी सुबह सुबह आज। और इधर दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाली रेनली में देखो कितने प्यारे फूल हैं, पिंक वाली में बहुत सुंदर आए हुए हैं। और बारिश से ना बस ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई, हल्की फुल्की हुई थी। ये देखो शोना अपना खाना छोड़ कर आ गई है, देख लो इसे पता लग जाता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखो शोनी बेबी, बेबी मेरी शोनी, शोनी शोनी मेरी बेबी, बहुत प्यारा बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा। तो कुछ ऐसा दिख रहा है गार्डन बारिश के बाद, और थोड़ी सी हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई। आधे पौधे तो समझ लो आप सूखे ही पड़े हैं, ज़्यादा नहीं हुई। बस ये है कि रेन लिली के फूल की कलियाँ बन जाती हैं, वो खिल गए थे क्योंकि अभी पीछे बारिश हुई थी दो दिन पहले, जिस दिन 15 अगस्त को मैं गई थी ना उस दिन हुई थी, तो उस टाइम पर ही कलियाँ बन गई थी रेन लिली में, और बस फूल आ गए अब। और मैं एक और रेन लिली है मेरे पास, वो भी दिखाती हूँ आपको। इसमें भी फूल खिले हैं पर एक ही खिला है, इसमें तो ज़्यादा नहीं खिले, कलियाँ तो इसमें बन रही हैं छोटी छोटी, पर अभी फूल एक ही है। क्या कर रही है सोना, वो तंग करती है मुझे। देखो इसको देखो आप, इधर उधर उधर इधर यही करती रही, खाना खा ले अपना। तो बस दोस्तों जो पौधे सूखे हैं थोड़े से, बस उसमें पानी डाल देती हूँ और फिर चलती हूँ नीचे, काफी काम पड़ा हुआ है घर पे। नीचे मैं बस आई थी देखने के लिए कि पानी अगर सब में डल गया है बारिश का तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं डाल दूंगी, इस वजह से मैं आई थी छत पर, तो नहीं डला। ये देखो ये पौधे हैं ना, ये थोड़े से गीले हैं कुछ, और कुछ जो हैं वो सूखे हुए। ये देखो ये गीले पड़े हैं, तो अब डालती हूँ सब में पानी जिसमें कमी है। तो अभी दोस्तों नीचे आ गई थी बस, और 7 बज रहे हैं, सब लोग भी आ चुके हैं, और हस्बैंड लेकर आए थे घेवर, और आज तीज है, तो तीज में कुछ स्पेशल खाना तो बनता ही है। तो बस मेरे यहाँ पर मैं कुछ ऐसा तो बना नहीं रही हूँ घर में तो, लेकिन हाँ मीठे का भोग भगवान जी को लगा दिया है, और मीठा ये ले आए थे घेवर, वही हम सब लोग खा रहे हैं, क्योंकि तन्नू की अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर घर पर अगर खीर पूरी वगैरह बनेगा तो फिर उसका भी मन करेगा, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, सिर्फ घेवर से ही मैंने भोग लगा दिया भगवान जी को, और मना ली हम सब ने तीज इस तरीके से। और ये गिफ्ट दोस्तों मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने ऑर्डर किया था मेरे लिए, तो वो आ चुका है आज तीज के ही दिन, तो तीज पर स्पेशल घेवर भी हमने खाया, और अभी ये गिफ्ट है जो इसकी भी ओपनिंग हो रही है, देखते हैं क्या है ये। उन्होंने कहा है कि तेरे यूज़ का है, तो उन्होंने ऑर्डर किया था, देखती हूँ अभी क्या है, तो फिर अभी खोल रहे हैं ये, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। जबरदस्त पैकिंग है वैसे। किससे मंगाए, फ्लिपकार्ट से? आज ही खुलेगा ना ये इसी व्लॉग में, खूब तो जाना चाहिए। दिख भी नहीं रहा साइड से कैसा है,
ये क्या है, एक में एक है या एक ही है ये? नहीं, लग रहा है सर। ये इनने सारे एक साथ दे दिए क्या? देखो ये है यू। अच्छा ऐसे है ये किस चीज का है ये वाला? तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, ये वाले जो गिफ्ट हैं वो ये ले आए थे, और ये तीन हैं स्टैंड जो मंगवाए हैं इन्होंने किचन के लिए मेरे लिए। ये देख लीजिए, एक ऐसा है और वो एक कॉर्नर में रखने के लिए है ये वाला। तो अच्छे लग रहे हैं, इनमें काफ़ी सामान आ जाएगा। और काफ़ी दिन से ना मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि डब्बे वगैरह रखने के लिए, क्योंकि फ्रिज पर ही रखा रहता था ज़्यादा सामान मेरा। तो अब ये आ गए ना, तो फिर अच्छे से अरेंज करके मैं रख दूँगी। तो बस मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में कि मैं कैसे रखूँगी इस पर सामान। सुनियो फुटबॉल बन चुका है, मोटी वाली फुटबॉल। सुनियो को लग रही है ठंड क्योंकि एसी चल रहा है, है ना चुनियो, है ना चुनियो। इतना क्यूट क्यूट सुनियो हमारा, देखो इसके टीथ। शोना बेबी, मेरा शोना बेबी, शोना शोना बेबी बेबी। सो जा, चो जाओ चो जाओ। तो यहाँ पर दोस्तों स्टैंड मैंने इस तरीके से रख दिए हैं, दो यहाँ रख दिए हैं और एक कॉर्नर में यहाँ पर रख रही हूँ। और वैसे यहाँ समझ नहीं आ रहा मुझे, यहाँ से हटा के सोच रही हूँ कहीं और ही रखूँ इसे। और यहाँ पर आ गई है मेरे बर्तनों की रेक, वो भी ये साथ ही ले आए थे जो टूट गई थी, मैंने आपको बताया भी था, तो वो भी आज लग जाएगी। और बुला लिया था हमने लगाने वाले को, तो यहाँ पर वही लगा रहे हैं अंकल जी। और ये बहुत पुराने हमारे अंकल जी हैं जो हमारे घर का सारा काम बिजली से रिलेटेड सब यही करते हैं, तो यही ड्रिल से ना इसको मशीन, ये जो रेक है इसको टांग देंगे। और इन्होंने ये पुरानी वाली उतार ली है और ये नई वाली ये लगा रहे हैं। चलो मेरे को यही था, मैंने कहा पता नहीं आएगी नहीं आएगी, आ गई वही फिक्स है। अभी इसको नीचे रखिए, ऊंचा ठीक है? हाँ ठीक है, बस हल्का सा, हाँ थोड़ा और ऊंचा कर दो अगर हो जाए तो। पकड़ लो, तो यहाँ पर दोस्तों लग चुकी है ये वाली रेक, देख लीजिए आप, बिल्कुल सेम वैसी ही मंगवाई है मैंने जैसी पहले थी, और इसमें बर्तन भी मैंने लगा दिए हैं। और थोड़ी ना चौड़ी है ये उससे जो पहले वाली थी मेरे पास, तो अच्छी लग रही है, इसमें काफ़ी स्पेस है। तो दोस्तों अब जो भी कूड़ा फैला है सोच रही हूँ उसकी झाड़ू सारी लगा दूँ घर में, तो वही लगा रही हूँ। और ये जो क्लिप है ना जो आपने देखा बर्तनों की रेक जो लगी है, ये संडे सुबह की क्लिप है, और सैटरडे को थी तीज तो उसका व्लॉग था गिफ्ट वाला। और ये जो सेकंड डे का मैं आपको दिखा रही हूँ ये है सुबह का, जब मैंने ये बर्तनों की रेक लगवाई थी, फिर मैंने सफाई कर ली। और यहाँ पर किचन में अब मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और उसके साथ फुलके, और तला हुआ बहुत ही कम खा रहे हैं, अवॉइड कर रही हूँ मैं पराठे भी, क्योंकि अब तन्नू नहीं खा रही तो हम लोग भी थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं। और यहाँ पर बस ये वाली जो सब्जी है फुलकों के साथ मैंने बना दी थी आलू की,
ये मैं भोग लगा दूंगी और उसके बाद आप देख लीजिए, घर में मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है, डस्टिंग वगैरह और पोछा भी लगा दिया है, तो सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं घर की। और बस ये जो गाय की रोटी रखी है इसको भी मैं गाय को दे दूंगी एक रोटी। और सफाई हो गई है, सफाई होने के बाद घर बहुत अच्छा लगता है। और इधर ना अब दोपहर हो रही है, संडे की दोपहर है, और मैंने जो है ना मशीन लगा दी है। वैसे मशीन तो मैं जब सफाई कर रही थी तभी लगा दी थी, तो 14 मिनट पे है और कुछ एक लॉट और रहता है, वो भी लग जाएगी। और यहाँ पर सुबह जब अंकल जी आए थे ना, तो मैंने ट्यूब चेंज करवा ली थी किचन की, तो वो चेंज होने के बाद काफ़ी रोशनी हो गई है किचन में, और ये रेक भी बहुत अच्छी लग रही है। ये सब काम करते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, बोला मत करो। बेड़ा का लड़का होता हमारे, हम बस सूट तो अच्छा लग रहा है, सूट अच्छा लग रहा है। बस कितने का है? 100 रुपए का हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर दोस्तों हम सब लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले ननद आ गई थी और उन्होंने न्यू जो होम लिया उसके लिए हमने फर्नीचर लेना, उसके लिए निकले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लेते हैं, तो आप बने रहिएगा व्लॉग में और देखते रहिएगा व्लॉग को। आज मैं शीशे खोलने हैं, तुम जैसे लोग वीडियो बनाते हो उसे लगानी पड़ जाती है हमें। सामने से बनाओ चलो वीडियो, पैक करने की क्या जरूरत है, धूप कम आती है भाभी, गाड़ी में थोड़ी ठंडी जल्दी हो जाती है। बस ये सिर्फ दो में कर दो भाई, थोड़ी देर बताओ फिर। नहीं वो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है ना, ये याद है आपको, नीचे ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले फ्रिज लेने आए थे, तो फ्रिज हम जो है सिलेक्ट कर चुके हैं जो हमने लेना है, तो आपको बाद में सारा फर्नीचर दिखाऊंगी कि कौन सा हमने कैसा लिया है, सब बाद में दिखाऊंगी आपको मैं। और यहाँ पर अब आए हैं हम टीवी सिलेक्ट करने के लिए, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कौन सा टीवी हमने सिलेक्ट किया। फ़िलहाल हम दोनों चीज़ें जो हैं वो डन करके बिलिंग जो है वो करवा रहे हैं, और सब कुछ सारा फर्नीचर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट, और बहुत जल्दी मैं उस पर ब्लॉग बनाऊंगी। तो चलते हैं अब हम घर की ओर।